नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। एबीवीपी को सभा करने जिला अस्पताल रोड में दे दी अनुमति। जाम में फंसी एम्बुलेंस, हर तरफ सड़कों में रहा जाम का नजारा। शौर्य रैली के जाम से घंटों परेशान रहे शहरवासी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र इकाई द्वारा मंगलवार को कटनी शहर में शौर्य दिवस मनाते हुए विशाल रैली निकाली गई। रैली बेहद लंबी होने से शहर की आधा दर्जन से अधिक सड़कें जाम हो गई। मुख्य सड़कों पर जब रैली गुजर रही थी तभी शहर की सक्रिय गलियों में भी घंटों जाम लगा रहा। एबीवीपी को सभा करने जिला अस्पताल रोड में अनुमति देने से मरीज और उनके परिजन भी परेशान होते रहे। हद तो तब हो गई जब एम्बुलेंस को भी कोतवाली तिराहा से गुजरने रास्ता नहीं मिला। जाम से तहसीलदार की गाड़ी भी फंस गई। एसडीएम प्रिया चंद्रावत का कहना है कि एबीवीपी को लिखित आवेदन देने के बाद अनुमति दी गई है। जहां तक ट्रैफिक व्यवस्था का सवाल है तो कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस जुटी हुई है। पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। आपका केंद्र पूर्व में कार्यक्रम क्या है, क्या कार्यक्रम हो रहा है? जी, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े गौरव का विषय है कि सन 1949 से लगातार छात्र हित व समाज हित में कार्य करने वाला छात्र संगठन अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। और आज ये जो कार्यक्रम आप कटनी की इस पावन धरती पर देख रहे हैं, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद की उस छात्र समुदाय, उस छात्र शक्ति का एकत्रीकरण है जो छात्र शक्ति से पूरा देश चलता है। और ये कार्यक्रम जिला छात्र सम्मेलन के नाम से, संखनाद के नाम से इस कटनी क्षेत्र पर हो रहा है। ये अमृत महोत्सवी विद्यार्थी परिषद का वर्ष है। इसी अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त यह कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है और ये कटनी में भी आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है। आपने कहा यह आम कार्यक्रम नहीं है जी, लेकिन इस कार्यक्रम से आम लोग परेशान हो रहे हैं। अस्पताल रोड के इलाके है, ये पहली बार बंद हुई है जी, जाम से पूरा शहर परेशान है जी। इस पर क्या कहेंगे? मुझे ऐसा कहीं अनुभव तो नहीं हुआ है जैसा आपने कहा है, क्योंकि ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये तिराहा है और यह चारों ओर से खुला हुआ है, इसलिए इस स्थान को चुना गया था ताकि विद्यार्थियों के माध्यम से जो वास्तविक विषय हैं वो आम जनों तक आए, इसलिए ये स्थान यहाँ पे तय करते हुए यहाँ पे खुला मंच रखा गया। और मुझे ऐसा बिल्कुल भी अनुभव नहीं हुआ है और मेरे साथ साथ अनेकों समाज के लोग भी यहाँ पे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुझे अभी तक ऐसा कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है कि घूम के जाना पड़ रहा है, अस्पताल रोड है। क्या आपको ये जानकारी है? अभी ऐसा कोई जानकारी मेरे समक्ष नहीं आई है कि एम्बुलेंस को घूम के जाना पड़ा है। ये एक समाज का कार्यक्रम था जिसके लिए ये चौराहा चुनना आवश्यक था। आज हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से प्रस्ताव पारित किए हैं। अगर जो प्रस्ताव के विषय आपके मध्य नहीं आएंगे, समाज के मध्य नहीं आएंगे, तो उनको पारित करने का कोई अर्थ नहीं। जब छात्र हित की बात आती है तो यही छात्र जब समाज के लिए काम करते हैं तो उन्हें समाज के लोगों को बताने की भी आवश्यकता है कि हम किस विषय में काम कर रहे हैं। आज जो प्रस्ताव पारित हुए हैं ये इसी कटनी के शिक्षा के क्षेत्र के लिए बात हुई है, इसी कटनी के मेडिकल कॉलेज के लिए बात हुई है, इसी कटनी के साधारण नहीं वास्तविक कैंपसेस के लिए बात हुई है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि आज इस छात्र शक्ति के माध्यम से आम जनमानस को नुकसान हुआ है तो ये मेरे लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक विषय है कि आपके मध्य ऐसा विषय आ रहा है। क्योंकि बिल्कुल हमारे पास पूर्ण रूपेण लिखित अनुमति है जिसके माध्यम से ही हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम किया जा रहा है जिसके लिए उन्होंने विधिवत आवेदन दिया था थाने स्तर से और सीएसपी ऑफिस से, अधिमत के पश्चात परमिशन दी गई है। और यदि एम्बुलेंस का रास्ता बाधित होता है तो उसके लिए हमने एक अल्टरनेट रास्ता, मतलब उसको रूट डाइवर्ट कर दिया है। इस तरीके की यदि समस्या आती है तो हम लोग सतर्क हैं। थाने स्तर के पूरे जो स्टाफ है वो अभी भी वहीं पर ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। यदि इस तरीके की समस्या आती है तो अब त्वरित निराकरण। मैडम, जो रूट डाइवर्ट किया गया उसमें जाम लगने की काफ़ी संभावना रहती है, जबकि शहर में जाम लगा भी। ट्रैफिक टीआई जो है वो अपने बल के साथ में वहाँ पर उपस्थित। मैडम, उचित है क्या कि सरकारी अस्पताल की मेन रोड में अनुमति देना? नहीं, उन्होंने आवेदन इसी जगह का दिया था। यदि ऐसी समस्या आती तो हम लोग निराकरण। रोड ब्लॉक करने का अधिकार किस नियम के तहत है? रोड ब्लॉक तो नहीं कर सकते हैं, उनको नियमानुसार परमिशन दी गई है कि वो लोग इस तरीके से प्रोग्राम आयोजित करेंगे कि लोगों को परमिशन किसके द्वारा मिले? परमिशन हमारे द्वारा ही दी जाती है, अभिमत के अनुशंसा के आधार पर, सीएसपी सर की अनुशंसा के आधार पर। रोड